नहीं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज जलसे का इख्तिताम हो चुका है और शाम का खाना आप देख रहे हैं किस तरह बुज़ुर्ग जो हैं बैठ के खा रहे हैं। दो दिन पहले मैं देखता रहा हूँ यहाँ खाना खाने के लिए भी आने की तकलीफ मिली, लेकिन ये जो सर्विस वाला पहले दिन मैं देखा है टेबल के ऊपर जो सर्विस, दोस्त आके वहाँ खाना चाह रहे हैं। हमारे साथ नाजम साहब हैं इसी से के, इनसे थोड़ा पूछते हैं, थोड़ा अपना तारफ करवा दें ज़रा पहले। खाकसार का नाम साकिब रशीद है। तो पिछले साल खाकसार को ये जिम्मेदारी मिली है जो एल्डरली और डिसेबल की मार्की में सर्विंग की, तो उसमें हमने पहले दिन कहा कि राशन ना हो, लोगों को खुद लेके जाते थे, लेकिन उसमें फिर हमें जो फीडबैक आया उसमें ये पता चला कि बात बुज़ुर्ग जो वो स्ट्रगल करते हैं खाना लेके जाने में, तो फिर हमने अपनी टीम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। तो अब हमारी कोशिश है कि उनको टेबल पे बिठा के खुद वहाँ पे खाना पहुँचाएं और बार बार साथ पूछ भी रहे हैं, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए या कोई चीज़ चाहिए तो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान है सारे जलसे के, और जैसे घर में कोई आया तो इंसान उनकी पहुँच के, तो आज वही मंजर लग रहा है कि हर जगह वो बैठे हैं, वो लेके आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या आपको चाहिए। तो दूसरा ये है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, जब कोई बंदा आता है वो कोई आप क्या वो कहता है जी मैं इतने साल का हूँ या कोई मैं बैठ खड़े होकर नहीं खा सकता, बेशक वो जवान भी हो, आप फिर उसको भी या कोई इसका कोई है बनाया हुआ क्राइटेरिया एज सच तो कोई नहीं है। तो अगर कोई जवान भी है लेकिन वो कहता है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरे मुझे कोई तकलीफ है, तो हम उस पर इंसिस्ट नहीं करते, उनको कहते हैं ठीक है अगर आप कह रहे हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते तो आप आ सकते हैं बैठ के खाएं। तो यही क्राइटेरिया, कोशिश हमारी ये है कि खिलाफत के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं तो उनको अच्छी रिस्पेक्ट हम दें और उनको रिस्पेक्ट के साथ खाना खाएं। और आपकी टीम में टोटल कितने जो दोस्त हैं जो खिदमत कर रहे हैं इसी हिस्से में? इस हिस्से में हमारे 30 हैं, 30 हाँ जी 30 कारकुनान हैं। और इसकी टाइमिंग वही होती है जैसे खुला है हर इजलास के बाद? हाँ जी, दोपहर का खाना होता है दोपहर के इजलास के बाद। अच्छा, तो वो चलता रहता है जब तक लोग आ रहे हैं, जब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होता, तो इसी तरह शाम का खाना प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद अब चलता रहेगा जब तक लोग आ रहे हैं, तो नमाज से पहले हम बंद करेंगे। आपकी टीम में जो 30 लोग हैं उनमें कौन कौन से प्रोफेशन के जो लोग हैं जो आगे खिदमत कर रहे हैं? वो मिक्स प्रोफेशन है, मुख्तलिफ लोग हैं उसमें, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स भी हैं, कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं, कोई आईटी स्पेशलिस्ट हैं, कुछ टैक्सी करने वाले भी हैं, तो मिक्स लोग हैं, कोई उसमें ये नहीं है कि हर तरह के लोग हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बूढ़ा सम्राट अंसार भी उसमें शामिल हैं। नहीं जी, ये जो दोस्त भी ये सुनेंगे आप खुद सुन के हैरान होंगे कि यहाँ जलसा दुनिया में जहाँ भी होता है ये जलसा जमात अहमदिया का, वहाँ ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें लोग अपना वक्त निकाल के वो खिदमत करना इसमें अपना एजाज़ समझते हैं, ना कि वो समझें कि हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी आपने टाइम दिया, थैंक यू। लें जी, जैसा कि हम आज कल और परसों मुख्तलिफ़ मेहमानों के साथ उनकी जो है तासुरात जलसा के मुतल्लिक लेते रहे हैं, इस वक्त हम बुज़ुर्गान के खाने वाले टेंट में मौजूद हैं, हमारे साथ एक मेहमान है, इनसे इनका तारुफ़ हासिल करते हैं और फिर आगे। जी सबसे पहले आप अपना तारुफ़ करवाएं। मेरा नाम बुरहान है, मैं जफर है जी, मैं कादियान का रहने वाला हूँ जी, मेरी पैदाइश वहीं की है। ठीक है। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो दरवेश थे। अच्छा। और मेरे दादा वो सहाबी थे। अच्छा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को की बैत करने के बाद फिर मेरे दादा हिजरत करके कादियान आ गए। अच्छा। इसलिए उनके कतबे के ऊपर भी महाजर लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनका दिल नहीं लगता था फिर अपने गांव में। अच्छा, ऐसे वो चंद्र के मुगोले जिला सियालकोट के रहने वाले थे। अच्छा, छोड़ छाड़ के सब फिर कादियान यहीं रहे। और आपकी पैदाइश? वैसे कादियान की मेरी पैदाइश है। ठीक है। और मैंने कादियान में ही पढ़ा है। अच्छा। जामिया किया, जामिया करने के बाद मैंने 18 साल के करीब मैं मुख्तलिफ हिंदुस्तान के शहरों में बतौर मुरब्बी रहा। अच्छा। 10 साल मुंबई दूसरे दिन चार था। अच्छा। उसके बाद फिर कादियान आ गया। अच्छा। तो कुछ अरसा नशोशात में। अच्छा। फिर कुछ अरसा मैंने बैतुलमा रामन में। अच्छा। फिर हुजूर ने मुझे नाज़िर नशोशात बनाया। अच्छा। तो 10-12 साल मैं नाज़िर नशोशात रहा, वहाँ से फिर मैं कादिम कुरान वक्फ़े आर्ज़ी। अच्छा। दफ्तर में। ठीक है। नाज़िर रहा, वहाँ से मैं रिटायर हुआ। अच्छा। अभी अच्छा अभी आप रिटायर? जी हाँ, मैं अभी रिटायर हो गया। तो आप यहाँ अभी जलसे पे आए हुए हैं या कि आप? मैं अल्लाह के फ़ज़ल से 89 से जलसे में आ रहा हूँ। रेगुलर? रेगुलर नहीं। अच्छा, मतलब कि 25-26 जलसे तो मैंने देख लिए हैं। अच्छा।
तो ये वाला जो जलसा आपने अटेंड किया 3 दिन, इसमें आपको क्या चीजें जो है बड़ी वो जोड़े? पहले ये पूछें कि पहला जलसा कैसा था। अच्छा, पहले 9 में देखे ना, छोटा सा जलसा इस्लामाबाद में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। दो टेंट लगे हुए थे, थोड़े से मेहमान थे, ठीक है, और कोई गाड़ियां भी ज्यादा नहीं थी, छोटा सा वो हॉल बना हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही टेंट, उसी में जलसा हुआ। बिल्कुल, और वो ढलान में चूंकि टेंट लगे हुए थे, हाँ जी, तो बारिश आ गई। सही है। वहाँ वो तख्तों का इंतजाम कोई नहीं था। अच्छा, वो सब बिस्तर हमारे गीले हो गए। अच्छा अच्छा, जलसे गांव में पानी आ गया, वो सारे गीले हो गए। 89 की बात है। अच्छा, ठीक हो गया। तो उसके बाद भी एक दफा ऐसे हुआ, फिर उन्होंने हमारा नहीं तख्तों का इंतजाम कर। अच्छा, ये तख्तों का सिस्टम। अच्छा, फिर ये शुरू हुआ। ठीक ठीक ठीक। तो आपने बहुत सारे मुख्तलिफ वक्त देखे हुए हैं, अब इस जलसे पे आपकी क्या है रिमार्क्स या कमेंट? कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने तरक्की दी जी, बढ़ता रहा। बिल्कुल, पहले वो जगह ही काफ़ी होती थी इस्लामाबाद की, बिल्कुल वो नाकाफ़ी हो गई, तो यहाँ आ गए, यहाँ तो एक नया शहर बसाया है। बिल्कुल, और पहले जितनी तादाद होती थी 25-26 हज़ार होती थी, हाँ जी, 43 हज़ार तादाद है माशाल्लाह, ऐसे ही उस हिसाब से इंतजाम भी बड़े। बिल्कुल, और लोगों का आना भी ज़्यादा हुआ, हर लिहाज से रौनकें भी ज़्यादा हुई। बिल्कुल, और फिर हुजूर की जो तकरीरें थी बड़ी ईमान अफरोज, नई रूह पैदा करने वाली। बिल्कुल, तो उसी तरह से अहबाब दोस्तों से मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि मैं अभी इस दफ़ा 4 साल के बाद आया हूँ। अच्छा, क्योंकि कोरोना की वजह से नहीं आ सका। बिल्कुल, पिछले साल आया था अप्रैल में, लेकिन देख सकते इसकी। चले ठीक है, इसकी ना मैं इसको जी, आप बता रहे थे कि आप इस दफ़ा, तो वो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर तो लोग इसलिए जमा हो जाते हैं कि खलीफा वक्त यहाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही, वरना पहले रवा में लोग जमा होते। बिल्कुल ऐसे ही, 82 का जलसा मैंने देखा हुआ। अच्छा अच्छा, और फिर उसके बाद यहाँ के जलसे देखते रहे। ठीक है, कादियान में तो हम रहते ही हैं, वहाँ के जलसे देखते ही हैं। कादियान में मुखालफत है जैसे? नहीं, बिल्कुल, इंडिया में वैसे काफ़ी जगहों पर किसी जगह हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान जैसा कोई चक्कर नहीं। अच्छा, हुकूमत नहीं है, हुकूमत का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं, सबको मजहबी आज़ादी है वहाँ। अच्छा, तो वो चीज़ नहीं है। बाकी रही जलसों की बात, हाँ जी, एक यहाँ का जलसा, और मैं इस दफ़ा घाना का जलसा भी देखने गया। अच्छा, अच्छा, जो मज़ा उस जलसे का था उसके मुकाबले में यहाँ नहीं है। वो यहाँ सिर्फ एक है कि खलीफा वक्त की मौजूदगी है, वो सारा से ऊपर भारी हो जाता है ना काम, इसलिए यहाँ आना जो है वो ईमान की ताजगी के लिए बहुत बड़ी बात है। सही बात। लेकिन वहाँ के लोग जाए, मैं जब घाना गया हूँ मैं, वहाँ लोगों में जो इखलास है, जो मोहब्बत है, जो कुर्बानी है, वो देख के डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं तहज्जुद, हाँ जी, सुबह भी तहज्जुद पढ़ी, कितने होंगे, 1,000-1,500-2,000 आदमी होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो घाना में 20,000-22,000 आदमी तहज्जुद में होता था, तहज्जुद की नमाज में, तहज्जुद की नमाज। बस ये आपने एक सुना हुआ ना, वो कुरान मजीद में आता है, माल और औलाद कितना, यहाँ ये है तरक्की याफ्ता मुल्क माल की दौड़ में, तो उसमें फिर फर्क पड़ जाता है ना जी। हाँ जी, आपको सही बात ये बताई, सही है, बिल्कुल ठीक है। बाकी यहाँ जो भी आता है बहुत कुछ लेकर जाता है। बिल्कुल, वो तो बरकत जो है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और रूह ताज़ा होती है, ईमान ताज़ा होता है, पैद करनी है तो तस्दीद हो जाती है। बिल्कुल सही, इंसान जो है अपने वजूद में अपने आप में झांकने की कोशिश करता है, बिल्कुल क्या क्या कमियाँ हैं दूर करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। आपका कभी लास्ट कब चक्कर लगा पाकिस्तान, वो 82 के बाद? पिछले साल ही। अच्छा, अजीज हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, पिछले साल में गया हुआ था। अच्छा, चले जी, बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के, अल्लाह ताला आपको आइंदा भी ऐसे मौके दे। जर्मनी जलसे पे आ रहे हैं? चले, वहाँ होती है मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।